हाय गाइस, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि मनी प्लांट को फास्ट कैसे ग्रो करें। तो मनी प्लांट को फास्ट ग्रो करने के लिए पहले हमें मनी प्लांट को लगाना पड़ेगा। अगर आपको मनी प्लांट को लगाना है तो सबसे पहले आप मनी प्लांट को वाटर में ग्रो कीजिए। वाटर में उसे जब अच्छे से रूट फॉर्म हो जाएंगे तो उसे आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कीजिए। मिट्टी में ट्रांसफ़र करने के बाद उस पर मैं जो 5 टिप्स आपको बता रही हूँ, 5 टिप्स अप्लाई कीजिए। इसकी वजह से आपका मनी प्लांट फास्ट ग्रो होगा और अच्छा और सुंदर दिखेगा। तो चलिए हमारी 5 नंबर की टिप्स कि मनी प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए मनी प्लांट को मतलब सनलाइट में रखिए। अच्छी जहाँ उसे अच्छे से अच्छी सनलाइट मिले वहाँ पे आप मनी प्लांट का लोकेशन सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे मनी प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि सनलाइट की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पत्ते बढ़ेंगे, ज़्यादा वो ग्रीन इफेक्ट दिखाएगा और उससे ज़्यादा मनी प्लांट बढ़ेगा। पर ध्यान रखिए, ज़्यादा सन में ना रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सनलाइट में उसे रखेंगे तो मनी प्लांट सूख जाएगा और पीला पड़ जाएगा, इसलिए इस टिप को ध्यान में रखिए। चलिए हमारी टिप नंबर 4 है कि मनी प्लांट एक सन लविंग प्लांट के साथ ही एक वाटर लविंग प्लांट भी है, इसलिए मनी प्लांट को सुबह और रात को 2 टाइम में वाटरिंग कीजिए। इससे मनी प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। पर याद रखिए, इसमें भी एक कंडीशन है कि आप मनी प्लांट को ज़्यादा वाटर ना करें उसकी, क्योंकि अगर उसकी मिट्टी सॉगी बन गई तो मनी प्लांट खराब हो सकता है, मनी प्लांट को रूट रॉट हो सकता है। इसलिए मनी प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग भी ना करें कि मिट्टी सॉगी बन जाए। मिट्टी को ड्राई होने दे, उसके बाद उसको वाटर डालें ताकि मनी प्लांट अच्छे से ग्रो हो। उसके बाद हमारी आज की टिप नंबर 3 है कि मनी प्लांट एक मतलब मनी प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की वजह से उसमें ज़्यादा पत्ते फॉर्म होंगे, वो ज़्यादा ग्रोथ लेगा। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस्ट पॉइंट है। अगर आपको मनी प्लांट को फास्ट ग्रो करना है तो आप उसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालेंगे। अब बात ये आती है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हम लाएंगे कहाँ से भाई? अगर आप फार्मर हैं तो आपके घर पर यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र अवेलेबल होंगे ही। अगर नहीं है तो ठीक है, आपके घर पर कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी सभी के घर पे होती है। तो कॉफ़ी को एक ग्लास पानी में मिक्स कर लीजिए। एक पैकेट कॉफ़ी को, मतलब पूरा पैकेट नहीं, थोड़ी सी 1-2 चम्मच कॉफ़ी को एक पैकेट मतलब एक ग्लास पानी में मिक्स कर लीजिए अच्छे से और उसे मनी प्लांट को डाल दीजिए। मनी प्लांट आपका फास्ट ग्रो होगा। ये टिप्स बहुत इफेक्ट दिखाएगी और आपका मनी प्लांट बहुत ही मार्वेलस लगेगा। इसके बाद अगर आपके घर पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में यूरिया आपके घर पे अवेलेबल है तो आप यूरिया उसे डाल सकते हैं। यूरिया की वजह से भी वो फास्ट ग्रो हो जाएगा। तो अगर येलो हो गए हैं तो उस पत्तों को रिमूव करते रहिए, उसकी अगर मतलब प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग मतलब पता है कि जो उसके बढ़ने वाले ब्रांचेस होते हैं, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मनी प्लांट का देखिए, ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट का अगर ये बढ़ रहा है तो हमें इसे कट करते रहना चाहिए ताकि मनी प्लांट यहाँ से नए शूट्स फॉर्म करे और मतलब ये और ज़्यादा बंची दिखे। ये बंची भी दिखना चाहिए, इसलिए इसे हम जो इसकी मेन ब्रांच ये है तो इसको अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो मनी प्लांट और अच्छे से ग्रो होगा। साथ ही में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसे रूट फॉर्म हो रहे हैं। ये ब्रांच है पर यहाँ पे इसे रूट फॉर्म, इसकी वजह ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसकी वजह से मनी प्लांट ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इसे कट कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे मेरे पास सीजर नहीं है, सीजर से कट कर दीजिए। ऐसे जो नोट्स फॉर्म हो गए हैं रूट। इसी के साथ हमारी आज की 5 टिप्स मनी प्लांट के बारे में ख़त्म हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।